कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है, यहाँ मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है, विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिलहाल ब्रिटेन के दौरे पर हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान ये दावा किया कि भारत में बड़ी संख्या में नेताओं के फोन में पेगासस था। राहुल ने कहा कि उनके फोन में भी जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस था। उन्हें एजेंसी के अधिकारियों ने सलाह दी थी कि वो फोन पर संभल कर बात करें, क्योंकि फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में हम लोग एक निरंतर दबाव महसूस कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं, मेरे ऊपर कई केस किए गए हैं, ऐसे मामलों में केस किए गए हैं जो बनते ही नहीं। हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरकार पर सवाल उठाता है उसे धमकाया जाता है। राहुल ने कहा कि हम लोगों ने संसद के बाहर धरना दिया तो हम लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने सही काम किया, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूं कि महिलाओं को गैस सिलेंडर देना है या बैंक अकाउंट खाता खोलना, ये अच्छी चीज है, लेकिन पीएम मोदी ने जो नींव देश की रखी है वो सही नहीं है। वो भारत की पहचान को नष्ट कर रहे हैं, वो भारत में एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जो भारत कभी नहीं ले पाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक सिख बैठे हुए हैं, ये भारत से हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये भारत में सेकंड क्लास सिटीजन है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं कश्मीर जा रहा था तो मेरे पास सिक्योरिटी के लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें आपसे बात करनी है, फिर उन्होंने बताया कि मैं कश्मीर में यात्रा नहीं कर सकता, ये बुरा विचार है, मुझ पर ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी पार्टी के लोगों से बात कर लेने दीजिए। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं ये यात्रा करूंगा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी पर अब ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो जब जब भारत के बाहर किसी देश में जाकर वहां के लोगों को संबोधित करते हैं तो वो अक्सर भारत की बुराई ही करते नजर आते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी ने एकदम सटीक बात कही है, या उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बार फिर से भारत की बुराई करने का मौका खूब अच्छी तरह से भुनाया है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और क्या आप राहुल गांधी के इन स्टेटमेंट से सहमत हैं या नहीं, ये भी हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।